नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जन्मदिन है। आज वो पूरे 70 वर्ष के हो चुके हैं। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में उन्होंने 7वीं बार शपथ ग्रहण किया है। आपको हम बताते चले कि उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की हुई है, पर कौन जानता था कि एक इंजीनियर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और ना सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बल्कि बिहार को इस तरीके से विकास की ओर ले जाएगा। उनको लोग जो है उनके घर में मुन्ना नाम से पुकारते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीतीश कुमार का मुन्ना से मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर। क्या है पूरी कहानी, हम आपको बताते हैं। बता दें, नीतीश कुमार आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर हम आपको उनकी जीवन से जुड़ी कुछ रोचक दास्तां बताने जा रहे हैं। राजनीति के कई पहलू होते हैं, राजनीति में तो सभी के नामकरण हो जाते हैं। हम आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम पर जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। दरअसल लालू यादव के शासन के बाद नीतीश कुमार ने ही बिहार की कमान संभाली और बिहार को एक अलग दिशा की तरफ लेकर गए। चाहे फिर हम बात करें सड़क निर्माण की या फिर महिला शिक्षा की, हर गांव तक बिजली पहुंचाने की या फिर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में सुधार लाने की या फिर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की, इन तमाम चीज़ों को सुधारने के लिए सुशासन बाबू ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं। आप में से बहुत लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन 2014 से पहले तक नीतीश उर्फ मुन्ना को नरेंद्र मोदी की टक्कर के नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदार माना जा रहा था। अगर हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक वैद्य और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माँ का नाम परमेश्वरी देवी था और नीतीश खेती किसानी से जुड़ी कुर्मी जाति से ताल्लुकात रखते हैं। बिहार कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद आधे मन से उन्होंने बिजली बोर्ड की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एसएन सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और बीवी सिंह जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार ने 1971 में राजनीति की शुरुआत लोहिया की यूथ विंग समाजवादी युवजन सभा से जुड़कर की। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक और 1989 में पहली बार सांसद बनाए गए। साल 2000 में पहली बार उन्हें सीएम बनाया गया। कई समाचार समूहों और फोरब्स और फॉरेन पॉलिसी जैसी पत्रिकाएं समय समय पर नीतीश को सम्मानित कर राजनीति का अग्रणी चेहरा करार देती रही हैं। नीतीश की अब तक की आधिकारिक जीवनी का टाइटल सिग्नल मैन उनके बारे में काफ़ी कुछ कहता है। सुशासन बाबू शराब और सिगरेट जैसी आदतों से हमेशा से काफ़ी दूर रहे हैं और उन्हें पढ़ाई करने का भी काफ़ी शौक रहा है। 1973 में नीतीश की शादी मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम निशांत है, लेकिन पत्नी अब उनके साथ नहीं रहती हैं। 1970 के दशक में देश भर में चर्चित रहे बिहार आंदोलन के प्रोडक्ट कर रहे नेता की आधुनिक बिहार के प्रमुख चेहरे बनकर सामने आए। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स और युवाओं को साथ लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन छेड़ा था, वहां से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, वशिष्ठ नारायण सिंह, साहबुद्दीन जैसे युवाओं के साथ ही नीतीश का सियासी करियर भी शुरू हुआ। साल 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तब नीतीश महासचिव बनाए गए। बिहार की राजनीति में नाम कमा रहे नीतीश केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। वहीं 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नीतीश ने समता पार्टी बनाई। हालांकि ये पार्टी 2003 में जनता दल में विलय हो गई और फिर नया नाम जनता दल यूनाइटेड रखा गया। फिलहाल शरद यादव और नीतीश कुमार जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर आज पहली बार उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी की है। फिर उनके जन्मदिन को जेडीयू विकास दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं।